करता हूँ, सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग एमनेशिया मतलब मेमोरी लॉस जो होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका ना कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से उनका मेमोरी जो है वो लॉस हो जाता है। तो मतलब स्मृति भ्रंश जिसको हम लोग बोलेंगे, भ्रंश का मतलब है कि उनका पूरी तरह से कुछ भी याददाश्त नहीं रहती है। तो ये कभी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, कभी लॉन्ग टर्म होता है, कभी आइसोलेटेड मेमोरी लॉस रहता है। तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और जब स्मृति भ्रंश हो जाता है, याददाश्त चली जाती है, कोई बड़ी बीमारी में भी चली जाती है, बहुत सारे हेतु रहते हैं, कॉजेज रहते हैं और साइन सिम्टम्स रहते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आयुर्वेद में इसका कितना बढ़िया ट्रीटमेंट है वह हम लोग आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ना आप लोगों के पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे। अभी डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी के पास भी एक पेशेंट आया है जिनका हेड इंजरी हुआ है और वो मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, उनको कुछ याद नहीं है वो कौन है क्या है। तो ऐसे जब पेशेंट आते हैं तो हमें किस तरह से मैनेज करना चाहिए, क्या दवाइयाँ हैं, क्या दवाइयाँ काम करती है, और किस तरह से सोचना चाहिए, वात के हिसाब से, पित्त के हिसाब से, कफ के हिसाब से, क्योंकि आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वात जन्य स्मृति भ्रंश कैसा होता है, पित्त जन्य स्मृति भ्रंश कैसा होता है, कफ जन्य स्मृति भ्रंश कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से विचार करेंगे। अभी आप लोगों को ये मालूम होगा कि जो हमारा ब्रेन में ब्रोकास एरिया होता है वहीं पर ही उसके पास ही मेमोरी सेंटर होता है, जो भी हम संस्कृत में ऐसे पढ़े हैं पदार्थ विज्ञान में कि अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, जो भी हमारे लाइफ में अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस होता है, उससे हमें स्मृति प्राप्त होता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण में ये बताया है कि स्मृति से जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण में तो हमें ये हो जाता है कि स्मृति मिलती है, लेकिन अनुमान जब लेना पड़ता है कोई भी चीज का तो स्मृति के आधार, और प्रत्यक्ष प्रमाण में ये बताया है कि स्मृति से जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण में तो हमें ये हो जाता है कि स्मृति मिलती है, लेकिन अनुमान जब लेना पड़ता है कोई भी चीज का तो स्मृति के आधार पर ही हम लोग कोई कोई चीज हम लोग मतलब ज्ञान प्राप्त करते हैं अनुमान से। तो क्योंकि स्मृति वितर्क, स्मृति से ही तर्क आता है कि ये ऐसा होगा वो वैसा होगा। तो उसके बारे में हम लोग अभी नहीं चर्चा करेंगे पदार्थ विज्ञान के, आज हम एमनेशिया पे पूरा अच्छे से चर्चा करेंगे। तो एमनेशिया का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ मेमोरीज, जितना भी मेमोरीज है, स्मृति है, उसका नाश होना। और जैसे कि कोई हमारे लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं तो उसका नाश हो जाना, कुछ बातों का इंफॉर्मेशन जो रहता है, जानकारी रहता है, उसका नाश हो जाना, उसी तरह से कुछ अनुभव रहते हैं उसका नाश हो जाना। तो अभी क्या है कि भीष्म पितामह जी जो थे, महाभारत में भीष्म पितामह जी जो थे उनको ना अपने 72 जन्म पहले की बात याद थी, तो वह तो इतना उनका मेमोरी अच्छा था, उन्होंने योग साधना से उसको इतना अच्छा किया था। तो ऐसे एक कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो क्या हुआ कि अर्जुन ने, क्योंकि भीष्म ने ही बताया था, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु प्राप्ति, तो भीष्म ने ही बताया कि आप शिखंडी को खड़ा कर दीजिए और फिर अर्जुन मुझे बाण मारेंगे तो मैं, शिखंडी जो है वो नपुंसक है, स्त्री है, तो मैं उनपे तो बाण नहीं मार सकता हूँ, फिर वो मुझे मार सकते हैं तो मैं धराशायी हो जाऊंगा। तो ऐसे ही हुआ। और फिर उसके बाद में जब वो बाण शैया पे लेट गए तो फिर उनको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रहा था, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। तो शाम के टाइम पे भले युद्ध होता था दिन भर, लेकिन शाम को सब लोग मिलते थे, क्योंकि आखिर तो वो रिलेटिव्स ही थे। तो कृष्ण भगवान जाते हैं और भीष्म पितामह के पास जाते हैं, तो भीष्म पितामह पूछते हैं कि हे कृष्ण भगवान जी, मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है, इतना बाण लग गया है तो क्यों कष्ट हो रहा है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आप पिछले जन्म की बात याद करिए, आपने क्या किया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने नेक्स्ट डे गए तो बोले मैं 72 जन्म पीछे गया, आपने मनुष्य जीवन में मैंने 70 जन्म पहले देखा तो मैंने तो कोई भी ऐसे गलत काम नहीं किया था, तो मुझे किस जन्मों का इतना पाप का भोग भोगना पड़ रहा है। और ऐसा भी था कि उस टाइम पे उत्तरायण चल रहा था और मतलब जैसे कि मकर संक्रांति के बाद उनको देह त्याग करना था, ऐसा उनका कुछ निर्णय था। तो इतने दिन तक तो वो शैया पे ही थे, बाण शैया पर ही थे। तो उन्होंने यही पूछा कि अब मुझे इतना ज्यादा, वो दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण में उनको अपना ये शरीर त्याग करना था, मतलब फरवरी के बाद उनको त्याग करना था। तो उन्होंने ही पूछा कि अब मैं क्या करूं, मुझे इतना ज्यादा कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा पिछले जन्म का बात याद करिए, तो उन्होंने कहा मैं 72 जन्म पहले की बात याद किया हूँ, लेकिन मैंने ऐसे कुछ गलत काम नहीं किया और मैं एक तरह से देव योनि से ही उत्पन्न हुआ हूँ, तो मुझे इतना कष्ट क्यों है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप एक जन्म पहले और जाके देखिए, तो उस जन्म में आप एक छोटे बालक थे और जो गिरगिट होता है ना प्राणी, गिरगिट को आप कांटे चुभा रहे थे,
और चुबा चुबा के आप खेल रहे थे, उसको इतना दर्द दिया, वही तकलीफ आपको अभी हुआ। तो उन्होंने फिर स्मरण किया तो उनको सब याद आ गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोग देखते हैं अभी भी कि पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती हैं बहुत सारे लोगों के। तो ये जो स्मृति जो रहता है ना, योग साधना से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जिनका स्मृति नष्ट हो गया है एक्सीडेंट की वजह से या चोट लगने की वजह से, उसमें क्या उपाय करना चाहिए? मैं उतना यौगिक स्मृति के बारे में यहाँ चिकित्सा बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसी जीवन में स्मृति भ्रंश जब हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाता है, तो कितना हम मेडिसिन से, शारीरिक और मानसिक रूप से क्या मेडिसिन दे, मेध्य दवाएं दे, संज्ञा स्थापन ग्रहण की द्रव्य दे कि इस जन्म की बातें याद है, पिछले जन्म की बात याद करने का ये मेरा अभी प्रयोजन नहीं है। उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, मैं उतना बात नहीं अभी बता सकता हूँ। उतना के लिए योग साधना करनी पड़ती है और उसके लिए गुरु चाहिए जो आपको पिछले जन्म की बातों को भी याद दिलवा सके। दूसरा बात है कि अभी क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो किसी का कुछ ऐसे घटना हो जाती है, शॉक हो जाता है या फिर कोई बीमारी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं या फिर बचपन की बातें सब लोग भूल जाते हैं, या फिर ऐसे घटनाएं होती रहती है जो ध्यान नहीं दिया जाता है, वो बहुत सारी बातें दिमाग से चली जाती हैं। एमनेशिया के जो पेशेंट रहते हैं, इन एक तो मैंने प्राकृतिक रूप से बता दिया कि वो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन एमनेशिया के जो पेशेंट रहते हैं ना, उनको एक तरह से बीमारी रहता है, सिंड्रोम, एमनेस्टिक सिंड्रोम रहता है। वो क्या रहते हैं कि उनको नया चीज जो भी उनके सामने आता है उसको वो ग्रास्प नहीं कर पाते, नया इन्फॉर्मेशन को वो समझ नहीं पाते हैं, या फिर उसको हम नया मेमोरीज भी नहीं बना पाते हैं जो एमनेस्टिक सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं। मतलब नया कोई भी चीज है ना, वो स्मृति बनता ही नहीं है, नया एक्सपीरियंस, नया चीज नहीं मान पाते हैं। तो ये भी एक टाइप रहता है। उसी तरह से अगर ब्रेन में, ब्रेन के एरिया आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा है, ब्रेन में ब्रोकास एरिया के पास मेमोरीज का सेंटर होता है, वहां अगर अफेक्ट हुआ, वहां पे इंजरी हो गया, तो फिर वहां पे जो मेमोरी का प्रोसेसिंग है वह बिगड़ जाता है और उसके वजह से सब चीज भूलने लगते हैं, बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। तो इसमें कभी कभी टेम्पररी एपिसोड होते हैं मेमोरी लॉस के, कभी कभी ये बहुत ज्यादा परमानेंट मेमोरी लॉस हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन को हमें समझना चाहिए पहले। तो अब क्या है कि एमिनेशिया जो रहता है, स्मृति भ्रंश, ये मॉडर्न के हम लोग साइकेट्रिक बुक्स देखेंगे तो उसमें क्या बता रहे हैं कि दो तरह का एमिनेशिया होता है, मेमोरी लॉस रहता है। एक रहता है कि नया इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करने को, समझने को और उसको मेमोराइज करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं एंटेरोग्रेड एमिनेशिया, ऐसे बोलते हैं। और दूसरा क्या रहता है कि नया चीज तो याद आ रहा है लेकिन पास्ट का रिकॉल नहीं कर पाते हैं, पास्ट में क्या हुआ था वो याद नहीं आता है, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड एमिनेशिया। उसमें या फिर कोई बहुत ज्यादा फेमिलियर इंफॉर्मेशन जो रहता है, मतलब आसपास हुआ घटना है लेकिन वो रिकॉल नहीं होता है कि उस टाइम पे क्या हुआ है, ये किसी ना किसी कारण से होता है। तो रेट्रोग्रेड हो गया, नया चीज नहीं हो रहा है तो एंटेरोग्रेड, और अगर पुराना चीज रिकॉल नहीं हो रहा है तो वो होता है। अब ये मत बोलेगा कि हमें बीएमएस के टाइम पे एग्जाम में पढ़ाई किए थे लेकिन एग्जाम के टाइम पे भूल गए तो एमनेशिया हो गया, ये शॉर्ट टर्म का हो सकता है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक व्याधि स्वरूप में बता रहा हूँ। एक तो डर के मारे जो एग्जाम में हो जाता है वो एकदम शॉर्ट टर्म का हो जाता है, एग्जाम लिख के आते हैं फिर याद आता है, अरे हमने ये तो सुबह ही पढ़ा था, हमने रात को ही पढ़ा था लेकिन एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आया। ये तो भय से हो जाता है, काम शोक भयाद वायु, भय की वजह से वो चीज उस टाइम पे याद नहीं आती है, रिकॉल नहीं हो जाता है। ये बात अलग है जो मैंने बताया, ये तो डेली रूटीन लाइफ में होता है, या फिर कोई मूवी का कोई चीज याद नहीं आता है, या कोई नंबर भूल जाते हैं या फोन नंबर, ये तो टेम्पररी होता है। लेकिन एमनेशिया एक व्याधि के रूप में मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देने की बात है। इसी तरह से जो ये एमनेशिया के जो पेशेंट होते हैं उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, बहुत ही कम टाइम की मेमोरी रहती है, और उसके बाद में वो नया इंफॉर्मेशन जो है वो आप पूरी तरह से याद नहीं कर पाते हैं। और कुछ कुछ लोग जो रहते हैं ना, उन लोगों को क्या रहता है कि उनको पहले जो जैसे कोई नेता वगैरह है वह सब याद नहीं आते, प्रेजेंट का याद रहता है लेकिन पुराना वाला सब भूल जाते हैं। उसी तरह से कुछ कुछ एसोलेटेड मेमोरी लॉस हो जाता है जिसमें इंसान का इंटेलिजेंस नहीं खोता है, इंटेलिजेंस रहता है, उसका जनरल नॉलेज अच्छा रहता है, उसका अवेयरनेस अच्छा रहता है, अटेंशन रहता है, और उसका जजमेंट, पर्सनैलिटी, ये सब बहुत अच्छा रहता है, उसको हर चीज याद रहता है। लेकिन जो ऐसे पेशेंट जो रहते हैं आइसोलेटेड, वह बात करना, पढ़ाई की बात, ये चीज भूल जाते हैं, पढ़ाई वाली बातें भूल जाते हैं, बाकी चीज याद रहता है, मूवी में क्या हुआ वो याद रहेगा,
सलमान खान ने क्या किया, ऐश्वर्या राय ने क्या किया, वो याद रहेगा, लेकिन पढ़ाई वाली बातें भूल जाते हैं, या आइसोलेटेड मेमोरी लॉस होता है। अब ये मेमोरी लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ ये बात याद रहती है, और जो चीज़ इंटरेस्ट वाली नहीं है वो भूल जाते हैं। अगर इंटरेस्ट से पढ़ाई की बात भी रखा जाए तो उनको याद रहेगा, तो ये आइसोलेटेड मेमोरी लॉस रहता है, और उनको ये समझ आता है कि कुछ ना कुछ चीज़ वो भूल रहे हैं, ऐसा उनका स्मृति नाश हो रहा है। इसी तरह से एमनेशिया जो है, स्मृति नाश जो रहता है, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो कभी कभी कुछ पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो रिकलेक्शन करते हैं, कुछ याद करने का कोशिश करते हैं तो फॉल्स रिकलेक्शन हो जाता है, मतलब कुछ तो ऐसे दिमाग में इमेजिन करके फिर वो रिकलेक्ट करते हैं। उसी तरह से वो अपना दिमाग से सोचते हैं, कभी कभी उनका कुछ ऐसे मेमोरीज रहते हैं जो, जैसे कि बहुत बार होता है कि साइकोलॉजिकल उसमें इफेक्ट होता है कि वो चीज़ होती नहीं है लेकिन उनको वो चीज़ याद आ जाती है, वो ऐसे बोलते हैं हमें याद आ गई लेकिन वो चीज़ होता नहीं है ऐसा, तो ये फॉल्स रिकलेक्शन इसको बोलते हैं। ये भी एक एडिशनल साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं। इसी तरह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं कुछ एडिशनल साइंस सिम्टम्स में, कि अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स रहते हैं, मतलब किस तरह से चलना है, उठना है, बैठना है, अनकोऑर्डिनेटेड रहते हैं, और कभी कभी उनको जो अपस्मार के जो झटके आते हैं, सीजर्स आते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, वह सब आने लगते हैं। इसी तरह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों को, कोई भी चीज़ ना कन्फ्यूज रहते हैं, डिसओरिएंटेड रहते हैं, वह स्थान पे, टाइम प्लेस और वहाँ पे वो है कि नहीं है, वो उनको समझ, ऐसा भी कंडीशन रहती है। ये डिसओरिएंटेशन और कन्फ्यूजन वाली स्टेट भी एमिनेशिया में बहुत सारे पेशेंट को आ जाती है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, पार्किंसन के पेशेंट मैंने देखे थे, पार्किंसन वाले पेशेंट 90+ के कुछ बूढ़े बूढ़े बाबा लोग थे, तो मैंने ऐसे देखा ना कि वो लोग, उनको एमनेशिया हुआ तो वो 40 साल पहले, एक बाबा थे वो पुलिस इंस्पेक्टर होते थे पहले के ज़माने में, तो वो एमनेशिया में अभी का वो टाइम भूल गए थे, लेकिन 40 साल पहले वो मतलब जब वो 50 साल के थे तो वो कैसे ऑफिस जाते थे, तो अपना सर्विस का पूरा ड्रेस पहन लेंगे, फिर उसके बाद में पूरा तैयार व्यार होके वो चले जाएंगे कि मुझे ऑफिस जाना है, वो कंडीशन में जाते थे, उनको ये याद नहीं रहता था कि वो अभी क्या है, रिटायर हो गए हैं, घर पे बैठे हैं और 90+ एज है, वो भूल जाते थे, और ये डेली डेली होता था। तो ये जो होता था ना, ये भी एक टाइप का एमनेशिया होता है, कि पार्किंसन डिजीज में बहुत दिखने को मिलता है, या अल्जाइमर्स में बहुत ज्यादा मिलता है, ये प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ है, क्या है, डिसओरिएंटेशन रहता है, और पिछले मेमोरी में वो चले जाते हैं। ऐसा आप, ऐसा मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे, इसलिए उस आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, एमनेशिया जो बीमारी है, स्मृति नाश होता है, मैंने अलग अलग टाइप्स आप लोगों को बताए। अब ये क्यों होता है, तो एक तो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक हो गया, रक्तवाहिनी फट गई और उसके वजह से, स्ट्रोक की वजह बीपी बढ़ा, वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा और स्ट्रोक हो गया वहाँ पे, फिर उसके बाद में क्लॉट हो गया और कहीं ना कहीं इंजुरी हो गई और उसकी वजह से, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से फिर ये एमनेशिया का प्रॉब्लम हो गया। दूसरा, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कभी कभी एनसेफेलाइटिस, जो एनसेफेलाइटिस का इन्फ्लेमेशन हो गया और उसकी वजह से जो ब्रेन में वायरस का इन्फेक्शन है वो फैल गया, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस है, या ऑटोइम्यून रिएक्शन अगर हो गया, या फिर कैंसर हो गया, उसमें भी एमिनेशिया ऐसे कंडीशन दिखने लगता है, और इसको बोलते हैं पैरा न्योप्लास्टिक लिम्बिक एनसेफेलाइटिस, ऐसे बोलते हैं। तो जो कैंसर की वजह से, पैरा न्योप्लास्टिक लिम्बिक एनसेफेलाइटिस, जो न्योप्लास्टिक का मतलब है कि वहाँ पे कैंसर की वजह से लिम्बिक सिस्टम में, लिम्बिक सिस्टम जो है वो हमारे क्या कहते हैं, भावनाओं को, जैसे हम गुस्सा हो रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कर रहे हैं, वो लिम्बिक सिस्टम में अपनी भावनाओं का वहाँ पे सब प्रोसेसिंग होता है, वही हमारे मन वैसे ही सोचता है, तो लिम्बिक सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और उसकी वजह से मेमोरी का जो प्रोसेसिंग है वह गड़बड़ा रहे, और उसकी वजह से ये एमनेशिया होने का चांसेस रहते हैं। इसी तरह से ब्रेन में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, या फिर इश्मिया हो रहा है इसके वजह से, या फिर एनुरिज्म की कंडीशन रहती है जहाँ पे रक्त वहिनियाँ सिकुड़ जाती है, बलून जैसी हो जाती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे प्रॉपरली, या फिर ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पर भी एमनेशिया की कंडीशन आने लगती है। हो सकता है वो शॉर्ट टर्म हो या परमानेंट हो, लेकिन वो एमनेशिया हो जाता है। या फिर जो लॉन्ग टर्म में अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत कंटिन्यू अल्कोहल ले रहे हैं, वो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, एमिनेशिया की कंडीशन हो जाता है। या फिर थियामिन, विटामिन B1 का डिफिशियंसी, इसके वजह से भी एमिनेशिया की कंडीशन हो जाते हैं। या फिर ब्रेन में ट्यूमर हो जाते हैं, अलग अलग जो ट्यूमर हो जाते हैं, जो मेमोरी को कंट्रोल कर रहे हैं वो एरिया में अगर ट्यूमर हो गया,
ग्लियोमा वगैरह हो गया, उसकी वजह से भी एमनेशिया हो जाता है, या फिर ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया पार्किंसन डिजीज हो गया, एल्जाइमर्स डिजीज हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, एसएलई डिजीज हो गया, ऐसे डीमाइलिनेटिंग डिजीज में बहुत सारे आते हैं जो ब्रेन में डिजनरेशन के वजह से, और डिजनरेशन की वजह से क्या होता है कि ब्रेन में जो मेमोरी सेंटर है उसका या मेमोरी प्रोसेसिंग सेंटर है वहां पे लिम्बिक सिस्टम से लेके मेमोरी सेंटर तक जो वो पाथवे है उसको इम्पेयर कर रहा है, उनको खराब कर रहा है, तो उसके वजह से एमनेशिया हो जाता है और वो ज्यादा हो जाता है तो डिमेंशिया, परमानेंट मेमोरी लॉस, उसको डिमेंशिया बोलते हैं। उसी तरह से अपस्मार में भी, अपस्मार में आयुर्वेद में भी बोला है कि स्मृति अपगमः, स्मृति का नाश जब हो जाता है तो वह अपस्मार व्याधि है। अब अपस्मार के झटके बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो मेमोरी लॉस तो होना ही है, यह आयुर्वेद भी बोलता है। इसी तरह से कभी कभी जो पागल लोग रहते हैं उनको इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी दिया जाता है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, जब झटके दिए जाते हैं कुछ ऐसे, कुछ ऐसे पूरा लगा के इलेक्ट्रिक वर्ड्स लगा के कुछ वोल्ट्स के झटके दिए जाते हैं, उसके वजह से भी मेमोरी लॉस हो जाता है, क्योंकि वो जो करंट होता है ब्रेन को पागलपन को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारा जैसे एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा तो उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसको कंट्रोल, पेशेंट वायलेंट हो रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रेन में शॉक दिया जाता है इलेक्ट्रिक का, तो उसकी वजह से भी ये एमिनेशिया में पेशेंट चला जाता है। लॉस ऑफ मेमोरीज होता है, उसको अभी फैक्ट और इंफॉर्मेशन सब चीज़ भूलने लगता है। इसी तरह से कुछ कुछ मेडिसिन का, एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट, जैसे बेंजोडिपाइन्स, इसका प्रयोग करने से बेंजोडिएज़ेपाइन्स, इसका प्रयोग करने की वजह से भी मेमोरी लॉस होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, बेंजोडिएज़ेपाइन्स, इसका प्रयोग करने की वजह से यह एमनेशिया ऐसे कंडीशन आ जाती है। फिर कभी कभी हेड इंजरी हो जाती है, कभी कभी बहुत सारे पेशेंट, मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे जिनका हेड इंजरी इतना हुआ, क्रैनियोटॉमी किया और फिर वो मेमोरी लॉस हुआ, क्रैनियोटॉमी तो बचाने के लिए किया गया लेकिन मेमोरी लॉस हुआ, फिर उनको फिर निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, कुछ लोग जल्दी रिकवर हो गए, कुछ लोग को बहुत टाइम लगा, जैसे कार एक्सीडेंट हो जाता है, बस में जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, तो लेकिन ज़्यादातर रिकवरी अगर हो गया तो एमनेशिया नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मेमोरी सेंटर पे अगर इसका इफेक्ट हुआ, लिम्बिक सिस्टम में हुआ, तो उसके वजह से फिर मेमोरी लॉस हो जाता है। अब मेडिकल हिस्ट्री जो है वह हम लोग देखना जरूरी होता है कि एमनेशिया के पेशेंट जो आ रहे हैं वह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या, या फिर उसका मीडियम है लेवल, या फिर बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस हो रहा है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो अब मेमोरी लॉस कितना हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यह हमें पूरा डायग्नोसिस करना चाहिए। उसी तरह से अगर पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि मेमोरी लॉस हुआ कैसे और किस वजह से हुआ, हेतु निकालना बहुत जरूरी है। इसी तरह से कभी कभी कुछ ऐसे कारण होते हैं, हेड इंजरी हो गया, स्ट्रोक हो गया, कभी कभी सर्जरी के वजह से भी यह एमनेशिया या मेमोरी लॉस होने लगता है। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री में ऐसे कंडीशन रहते हैं कि वो पूरा फैमिली में ही आ रहे हैं, जीन्स में आ रहे हैं, कि लोग ना अल्पसत्व के हैं, तो उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं वो लोग। ये आयुर्वेद में लिखा है कि जो अल्पसत्व वाले वाले जो लोग रहते हैं, जो अवर सत्व के जो लोग जो रहते हैं, उनको एमनेशिया या पागलपन या मानसिक दौर्बल्यता यह जरूर रहता है। दुर्बल मन वालों को ये एमनेशिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। या फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस रहती है ब्रेन की, अलग अलग ब्रेन की बीमारियां रहती हैं, उनके वजह से भी मेमोरी लॉस हो जाता है। या फिर ड्रग का ओवर यूज होना, या कोई एलोपैथी के ड्रग्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं जिसका इफेक्ट ब्रेन पे आ रहा है, उसकी वजह से एमनेशिया हो जाता है। इसी तरह से अल्कोहल यूज बहुत ज़्यादा, मध्य पी रहे उसके वजह से भी, और मध्य पीने वाले लोग आपने देखा होगा मराठी में बेवड़े लोग बोलते हैं, बेवड़े लोगों को ना मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम जरूर रहता है, जो लोग कंटिन्यूड ज्यादा देसी पीते हैं अल्कोहल उनको ये होता है, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुण जो है वो लघु है, प्रकाशक है और ज्ञान की वृद्धि करता है, तमो गुण जो है वो क्या करता है, आवरण करता है, आवरण करता है और क्षय भी करता है, उसकी वजह से तम गुण ज्यादा बढ़ जाता है और वो मेमोरी लॉस का कारण होता है, ज्ञान को नहीं प्रकाशित करता है, अंधकार लाता है, तो अल्कोहल जो है ना वो तमो गुण को बढ़ाने वाला द्रव्य है, तो इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा, और ये अल्कोहल पीना यह अगर मात्रावत पिया जाए तो मेडिसिन है, अगर मात्रा के हिसाब से मात्रा से ज्यादा अगर पिया जाए तो वो तम प्रवेश करके बुद्धि को भ्रष्ट करता है। दूसरा ये है देश के साथ में, काल के साथ में है कि नहीं है, अगर ओक साथ में है कि नहीं है, अगर आप लोग जाएंगे कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज में
या सोवियत संघ में, रशिया में जाएंगे, वहां के लोग तो अल्कोहल पीते हैं, तो उनको सबको मेमोरी लॉस होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि वो देश साथ में है, वहां पे ठंडी पड़ती है तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्कोहल पीते ही हैं वो लोग, तो उनके देश के लिए साथ में है। लेकिन वही भारत जैसे कंट्री में जहां पर गर्मी है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आते हैं, यहां पर अगर गर्मी है और आपने बहुत ज्यादा मद्यपान कराया तो उससे क्या होगा, पित्त का प्रकोप हो जाएगा, अम्लधर्मी पित्त का प्रकोप होने के बाद लिक्विड फॉर्म में जो द्रव गुण पारते होता और आप्यता, आप ये महाभूत विकृत होगा और अम्लधर्मता बढ़ेगी, और उसकी वजह से फिर मेमोरी पे उसका इफेक्ट आएगा, जो अपना रक्त है वो दूषित हो जाएगा और वही दूषित रक्त ब्रेन में जाएगा तो वह वहां पे दुष्टि करेगा और स्मृति भ्रंश हो जाएगा। तो यहाँ पर भारत जैसे कंट्री में अल्कोहल को निषेध बोला गया है कि यहाँ पर नहीं पीना चाहिए। ये जो मद्य है, मद्य जो है वो देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से अलग अलग आचार्य लोगों ने बोला है, तो उसको भी हमें सोचना चाहिए। इसी तरह से अगर एमिनेशिया होता है, लॉस ऑफ मेमोरीज होता है, तो कंफ्यूजन की स्टेट आती है, बोलने में तकलीफ होने लगती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होने लगती है, पर्सनैलिटी चेंजेस होने लगता है, अपना केयर करना भी वो भूल जाता है, कि वो मतलब डिप्रेशन के स्टेजेस रहते हैं ज्यादातर जब एमिनेशिया होता है, तो अपना केयर भी नहीं कर पाता, ब्रश नहीं करता है, स्नान नहीं करता है, वो अपने आप को अच्छा कपड़ा नहीं पहनता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। इसी तरह से जो पेशेंट का सीजर्स रहते हैं, मतलब अपस्मार के झटके आते हैं, मिर्गी के झटके आते हैं, या फिर सरदर्द की बीमारी रहती है, डिप्रेशन में रहते हैं, कैंसर में रहते हैं, उन सबको भी एमिनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरीज, ऐसे कंडीशन आते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहना, उससे ब्रेन की कार्य करने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। बहुत सारे मेरे पेशेंट ऐसे हैं जो बोले कि सर हमारे पास ना, हमारा ना डिवोर्स केस चल रहा है फैमिली कोर्ट में, और इतना हाई चार्जेस लगा दिया, IPC 498 के तहत हमारी वाइफ ने ये लगा दिया, वो लगा दिया, इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहे कि हमको मोटर न्यूरॉन डिजीज के सारे सिम्टम्स आने लगे, या फिर अल्जाइमर्स होने लगा, या पार्किंसन के, और फिर मेमोरी लॉस होने लगा। तो ये सब होता है, जो बताया है वो सब होता है। डिप्रेशन जो है, काम शोक भया दवाइयो, विषादो रोग वरदानम श्रेष्ठा, काम से, शोक से, भय से वायु का प्रकोप होता है, और ज्यादा विषाद करने से रोग बढ़ते हैं, मानसिक रोग भी हो सकते हैं, शारीरिक रूप से भी रोग बढ़ जाते हैं, तो इसको हमें देखना चाहिए। तो हेतु को समझना है पहले, फिजिकल एग्जामिनेशन में जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उसका रिफ्लेक्सेस कैसे है, बॉडी का रिफ्लेक्सेस, अभी पहले देखिए कि हाथ पैर में उसके हाथ पैर उठा पा रहे हैं कि नहीं, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, फिर उसके सेंसरी फंक्शंस कैसे हैं, उसका बैलेंस कैसे है, उठना बैठना चलना बात करना। बहुत सारे पेशेंट जब बात करते हैं ना तो वो हमसे बात करते हैं तो डिसओरिएंटेड रहते हैं, वो लोग को पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ पर है, और या बात करने में भी ओरिएंटेशन नहीं रहता है, वो एक बात करेंगे फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर तीसरे जगह चले जाएंगे, फिर चौथे जगह चले जाएंगे, तो वो ओरिएंटेड नहीं रहते हैं, या फिर उनका ना कोई जिंदगी में उत्साह नहीं रहता है, क्यों जी रहे हैं, ऐसे मानसिक रोगी जो रहते हैं ना। तो हमें ये पूरा तरह से अच्छे से समझना चाहिए, फिर नर्वस सिस्टम या ब्रेन में क्या डिफॉर्मिटी आई है, बात करने में, व्यवहारिक रूप से, बिहेवियर के रूप में, या फिर क्या चीज का डिफेक्ट है, वह हमें पूरी तरह से समझना चाहिए। उसी तरह से MRI CT स्कैन में हमें कुछ पता चलता है, क्लू मिलता है कि हाँ यहाँ पर एंसेफेलाइटिस हो गया है, या फिर यहाँ पे मेनिनजाइटिस हो गया है, या फिर यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है। तो MRI और CT स्कैन से हमें पता चलता है कि, या EEG कराते हैं, उस पे जो वेज रहते हैं उससे हमें EEG से पूरा ब्रेन मैपिंग करके हमें समझ आता है कि हाँ इसको ये हेतु है, ब्रेन में एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली ऐसा डिफेक्ट आ गया, इसकी वजह से एमनेशिया हो गया, वहां पे डैमेज हुआ है, एबनॉर्मलिटी हुई है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया है, ट्यूमर हो गया है, या एन्यूरिज्म हो गया, क्या हो गया, वहां पे एट्रोफिक चेंजेस आ गए, तो उसके वजह से हमें समझ आता है कि यहाँ पर, या इंजुरी की वजह से इंजुरी हो गया है, तो ये सब से हमें एमिनिशिया का हेतु समझ आता है कि ये एक वजह से होता है। इसी तरह से ब्लड टेस्ट कराया जाता है कि इन्फेक्शन है क्या, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल अपलोड ज्यादा हो गया क्या, या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, पेशेंट ने खाना ही नहीं खाया बहुत दिनों तक, या कुछ ना कुछ और भी कारण हो सकते हैं, वह सबको हमें पूरी तरह से हेतु को निकाल के संप्राप्ति समझना चाहिए। उसके बाद में आयुर्वेद में आते हैं, तो आयुर्वेद में जब एमिनेशिया के पेशेंट आते हैं, जब उनका मेमोरी लॉस हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या द्रव्य दें, तो एक तो रसायन द्रव्य का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य, चरक सूत्र स्थान चौथा में संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य, जैसे ब्राह्मी है, ज्योतिषमती है, हींग है, सरसों है, ये सब संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य, तो संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य। फिर उसके बाद में वृष्य द्रव्यों का भी बहुत अच्छा फायदा होता है,
मेध्य रसायन, क्योंकि जिनका शुक्र क्षय हुआ है ना उनका जरूर मेमोरी लॉस, ऐसे पेशेंट आते हैं जो लोग बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हैं, हस्तमैथुनिया बहुत ज्यादा अति शुक्र का क्षय करते हैं, उनको मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा होता है, या अति जागरण करते हैं, वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करते हैं, उनको मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से मेध्य रसायन का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो मेमोरी लॉस में बहुत अच्छा फायदा होता है। अब हम लोग मेमोरी लॉस देखेंगे ना, तो इसमें वात की वजह से अगर मेमोरी लॉस हुए तो वायु की वजह से क्या होगा कि एट्रोफिक चेंजेस आ जाएगा, पेशेंट जो है छोटी छोटी बातों को भूलने लगता है, एट्रोफिक चेंज होता है, लॉस ऑफ बैलेंस होने लगता है, एसोसिएटेड जो वात के सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि वायु के वजह से स्मृति भ्रंश हो रहा है, वायु ही स्मृति को लाता है, लेकिन यहाँ पे वायु का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, वायु का रुक्ष गुण, चल गुण, फिर उसके बाद में लघु गुण, ऐसे विशद गुण, खर गुण, विशद गुण, परुष गुण, ये सब अगर बढ़ गए, तत्रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीला, ये सब के बढ़ने की वजह से स्मृति नाश हो गया, तो इसमें क्या द्रव्य देना है, तो घृत देना है। अब घृत में बहुत सारे द्रव्य हैं, जैसे कि महापंचगव्य घृत है, ये मेमोरी को अच्छा करता है, वायु का शमन करता है, ब्राह्मी घृत है, उसके बाद में महाकल्याण घृत, कल्याण घृत, और इसी तरह से महातिक्त घृत, ये सब जो है जो उन्माद रोग में बताए, जीवनीय घृत है, इनका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो वायु के शमन करने के लिए घृत कल्पना का बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से तैल कल्पना, तैल कल्पना में ज्योतिषमती तेल है, वचा तेल है, फिर शीर बला तेल है, शुद्ध बला तेल है, तो वहां पे हमें देखना है कि मेध्य द्रव्य कहाँ पे है और वायु का शमन करने वाले कौन से द्रव्य है, उनका तेल का नस्य, अभ्यंग, शिरोबस्ती, शिरोपिचू और बस्ती, ये सब करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यष्टि मधु का प्रयोग जो है वात को शमन करने के लिए, यष्टि मधु वात को पित्त को भी शमन करने के लिए यष्टि मधु काम आता है, लेकिन वात जन्य संप्राप्ति है तो यष्टि मधु सिद्ध तेल का नस्य बहुत अच्छा फायदा करता है, तेल है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कुष्मांड का प्रयोग कर जाते हैं, अपस्मार के रोगी को ना हम लोग जब पूरा ठीक कर देते हैं ना, तो कुष्मांड का रसायन जो है, कुष्मांड रसायन 1 साल तक खाने के लिए देते हैं, क्योंकि फिर से उसको ना है, कुष्मांड जो है ना वो एमिनेशिया को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। जैसे स्वर्ण भस्म या स्वर्ण के योग जो देते हैं, तो उसका प्रयोग करने से वात का शमन हो जाता है, वात के वजह से जो स्मृति नाश हुआ है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पित्त शमन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्राक्षा का प्रयोग करते हैं, ब्राह्मी का प्रयोग करते हैं, मंडूकपर्णी का प्रयोग करते हैं, सारस्वत घृत का प्रयोग करते हैं, फिर जीवनीय घृत का प्रयोग करते हैं, फिर कुष्मांड घृत का प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपने ब्राह्मी सिद्ध दूध दे दिया या फिर मंडूकपर्णी सिद्ध दूध दे दिया, ऐसे जो शीर कल्पना है उसका प्रयोग करने से पित्तजन्य जो स्मृति भ्रंश है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्तजन्य पित्त जो है वह अगर अच्छा रहे, प्राकृत रहे, तो मेमोरी बहुत अच्छा रहता है। पित्त प्रकृति वालों को आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मेमोरी रहता है उन लोगों का, उनका मेधा की अग्नि बहुत अच्छी रहती है और उनका साधक पित्त भी बहुत अच्छा रहता है, तो वो लोग बहुत मेधावी रहते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, जो पित्त प्रकृति के लोग रहते हैं, जो IIT में सेलेक्ट होते हैं ना वो लोग का कितना इंटेलिजेंस रहता है, या IIM में जो सेलेक्ट होते हैं, तो IIT में ऐसे ही लोगों को नहीं हो जाते, जो लोग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट रहते हैं, जो लोग हर मतलब क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हैं, उनका इंटेलिजेंस, IQ सब चीज चेक किया जाता है, तो उन लोगों को ही एडमिशन मिलता है। तो ऐसे लोग जो रहते हैं ना, अगर पित्त विकृत हो गया, पित्त विकृत हो गया तो फिर ये एमिनेशिया जैसे कंडीशन आ जाती है और पित्त के एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे दाह, पाक, मूर्छा, लालिमा, राग, ये सब कंडीशन आ जाती है। तो पित्तजन्य सिम्टम्स को कम करने के लिए द्राक्षा, ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, कुष्मांड और दूध, दूध के कल्पनाएं जो है, शीर्पा कल्पना है, वह सब प्रयोग करना चाहिए, घृत कल्पनाएं देनी चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कफ जन्य सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें बुद्धि जाड्यता बहुत ज्यादा रहती है, कफ की वजह से बुद्धि मंदता रहती है, कफ का आवरण है। अब यह अभ्यास से भी आ सकती है, एक ना जो इन्होंने जो लिखा है ना, वरदराज की कहानी आप लोगों को मालूम होगा, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखा है, पाणिनि जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, पाणिनि का बचपन में नाम वरदराज था, तो उनका एमिनेशिया नहीं था, तो उनको पढ़ने में मन ही नहीं लगता था, मंद बुद्धि के थे, और बुद्धि के टाइप्स बताए, तैल बुद्धि, फिर अलग अलग बुद्धि के बताए हैं टाइप, उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ स्मृति पे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वरदराज जो थे ना, वह पहले के जमाने में कैसा था कि पहले गुरुकुल परंपरा चलती थी, तो 5 साल से 25 साल तक गुरु के पास रह के ही सब ज्ञान, वेदों का ज्ञान और जितने भी आयुर्वेद का ज्ञान, सब जितना भी व्यवहारिक चीजें थी उन सब का ज्ञान गुरु के पास ही लिया जाता था। तो वरदराज जो थे ना, पाणिनि जिनको बाद में नाम दिया गया, वो उनके पिताजी बहुत ही संस्कृत के महापंडित थे, बहुत ही विद्वान थे, तो
तो वरदराज को ना उनके गुरुजी ने इतने साल पढ़ाया, लेकिन उनके दिमाग में ही कुछ घुसता नहीं था, तो वो मंदबुद्धि थे। तो गुरुजी उनके जो जूनियर्स थे वो पढ़ पढ़ के आगे बढ़ गए और ये उसी क्लास में रह गए। तो एक बार गुरुजी ने थक के उनको कहा कि आप चले जाओ, अब आपका हम कुछ नहीं कर सकते, हमने इतने साल मेहनत किया, आपको पढ़ाने का कोशिश किया, अब आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप जाइए और आप अपने घर में जाके और कोई और व्यवसाय करिए, आपके लिए पढ़ाई लिखाई ये सब नहीं हो सकता, आपके लिए नहीं है ये। तो अभी वो जाने लगा वरदराज, तो अब बड़ा भी हो गया था, युवा हो गया था, तो अब वो रो रो के जाने लगा, निराश हो गया कि मुझे गुरुजी ने गुरुकुल से निकाल दिया, पूरा एकदम तड़ी पार कर दिया। तो वो जाते रहा और वो बोला कि मैं इतना मंदबुद्धि क्यों हूँ, मेरे पिताजी का तो इतना नाम है, इतने संस्कृत, और उस टाइम पे संस्कृत ही बोला जाता था, पूरा आर्यावत ऐसा बोला जाता, आर्यों का जो देश है भारत, आर्यावत बोला जाता था, इतना संस्कृत का इतना है और मैं इतने बड़े पंडित जी का बेटा होके मूर्ख हूँ, तो और गुरुकुल से निकाल दिया गया हूँ, अब तो मुझे कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा और मैं ये पढ़ाना पढ़ना ये तो कर भी नहीं पाऊंगा, मुझे तो घर में भी एंट्री नहीं मिलेगी, कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा, इतना वो डिप्रेशन में जा रहा था। तो जाते जाते वो, अब क्या है कि जिसको बुद्धि मिलनी होती है ना उसको कुछ ना कुछ आइडिया भी आ जाता है, भगवान रास्ता दिखाते हैं किसी ना किसी तरह से। तो पाणिनि जब जा रहे थे ना, तो एक और मैं कालिदास की भी कहानी सुनाऊंगा, तो पाणिनि जब जा रहे थे ना, और ये कफ जन्य स्मृति नाश या कफ जन्य जो जाड्यता होती है उसकी वजह से, अब ये नहीं है कि वो पूरा मूर्ख है, मेंटली रिटार्डेड है, लेकिन उनको पढ़ने में ही मन नहीं लगता, कफ का आवरण बहुत ज्यादा था, आलस बहुत ज्यादा था। तो वो जब जाते हैं ना तो देखते हैं कि एक कुएं के पास पानी पीने के लिए जाते हैं, गांव में तो रास्ते में थे, तो देखते हैं कि कुएं से बहुत सारे लेडीज लोग ना मिट्टी के मटके से पानी निकाल रहे थे, उस टाइम पे मिट्टी के बर्तन से ही सब होता था। तो वो देखते हैं कि रस्सी जो है ना वो पुली से अंदर जा रही है और वो पानी भर के वो खींच के फिर निकाल रहे हैं, तो ऐसे करते टाइम कभी कभी मटके फूट भी जाते थे। तो उनको इतना उससे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा सिचुएशन हुआ, आपने फेसबुक कैसे, फेसबुक के जो मार्क जुगरबर्ग है उनको कैसे क्लिक हुआ कि फेसबुक बनाना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में घटनाएं होती है कि दिमाग में कुछ ऐसे क्लिक करता है कि अब मुझे ये करना है। तो जो ये मार्क जुगरबर्ग जो आए थे ना इंडिया में आए थे, कुछ हरिद्वार में एक बाबा जी हैं उनके पास गए, तभी उनको दिमाग में उनके दिव्य शक्ति के संपर्क में आते ही उनको एक आइडिया आया कि मैं फेसबुक बनाऊंगा, और कुछ फ्रेंड को मिला के उन्होंने फेसबुक बनाया, और आज इतना बड़ा फेसबुक से हम लोग टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया, और कैलिफोर्निया में इसका ऑफिस है। ऐसे ही वरदराज को ना वो जो हुआ इंसिडेंस हुआ उससे उनका दिमाग क्लिक हो गया, उनको उन्होंने कहा कि ये रस्सी जो है जो कुएं में जा रही है तो पत्थर का जो पुली है उस पर निशान पड़ गया है, अब रस्सी कितनी कोमल है जो कॉटन से बनी हुई है, कॉटन की रस्सी से वो खींचा जा रहा था उससे निशान पड़ गया है, और मिट्टी के बर्तन कितने कोमल है जो बड़े बड़े पत्थर जो है चबूतरा वहां पे निशान बन गए मिट्टी से, तो इसका मतलब ये है कि बार बार अभ्यास से वहां पे निशान पड़ गए, तो क्यों ना मैं बार बार पढ़ाई करूंगा, बार बार पढ़ाई करूंगा तो मैं क्यों नहीं विद्वान बन जाता। तो उनके मुंह से एक ऐसा निकला, करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते थे सिल पर पड़े निशान, ऐसे उन्होंने कहा, उनके दिमाग में क्लिक हो गया कि मैं भी पढ़ाई कर करके और फिर मैं फिर से कोशिश करूंगा, और वो फिर से गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास बोले कि मैं अब पूरी ताकत लगा के पढ़ूंगा और मैं बार बार अभ्यास करूंगा। उनको मुश्किल हो रही थी पढ़ने में, लेकिन वो रात रात भर दिन दिन भर पढ़ते रहते थे पढ़ते रहते। ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी इतना पढ़ते थे ना कि इतने बड़े विद्वान हो गए। तो अब ये जो लोग बड़े हुए हैं ना बाबा साहब अम्बेडकर, उनका आप देखिए कितना सारा डिग्री उनको है, और वो ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ही इनहेरिटेटेड मिल गया, ऐसे ही मिल गया, उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया। तो यहाँ पर वरदराज जो थे ना वो इतना मेहनत किए, इतना दिन रात मेहनत किए, बार बार एक ही चीज नहीं समझ आता तो भी कोशिश करते 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 पाणिनि नाम के पंडित जी बन गए, इतने विद्वान बन गए, और उसके बाद में उनका नाम इतना चौक गया, और पाणिनि ने जो ये लिखा अष्टाध्यायी इतना बढ़िया लिखा है, क्योंकि उसके पहले संस्कृत जो था बहुत पढ़ने में लोगों को तकलीफ होती थी, उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करके व्याकरण को लिखा, और जो हम लोग पाणिनि का पूरा संस्कृत व्याकरण आज तक पढ़ रहे हैं कलयुग में, ये कहानी है सतयुग की। तो जिसको जहां यहाँ पे उनका स्मृति भी अच्छा हो गया, उन्होंने अभ्यास कर 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 के किया, तो उनके एक तरह से वहां पे स्मृति नाश हो रहा था, तो ये कफ की वजह से जाड्यता था, आवरण जन्य था। दूसरा एक कालिदास की कहानी बताता हूँ,
ये यहाँ से रिलेटेड नहीं है लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट है इसलिए बताता हूँ। जो कालिदास की जो वाइफ थी ना विद्योत्तमा, वो ना बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट लड़की थी बचपन से। तो वो अपने सखियों के साथ खेलती रहती थी ना, तो वो इतनी इंटेलिजेंट थी, उसको इतने संस्कृत में श्लोक याद थे, सब कुछ याद था, बड़े बड़े विद्वान लोगों को हरा देती थी। वेदांत का ज्ञान, फिर उसके बाद में वैशेषिक ज्ञान, सांख्य दर्शन, वेदों का ज्ञान, कर्मकांड, सब कुछ उसको आता था। तो उस जमाने में कैसा था कि लड़कियां अगर आगे बढ़ रही हैं तो पुरुषों को बहुत ज्यादा इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था उस जमाने में। तो राजा की बेटी और इतनी इंटेलिजेंट, सभी पंडितों को बहुत ज्यादा ऐसा गुस्सा आता था उसके इंटेलिजेंस पे। तो वो ना मजाक भी उड़ा देती थी बहुत सारे लोग को, अगर कोई गलत उच्चारण करेगा या गलत बोलेगा। तो सबने ऐसे प्लान किया कि इसकी शादी जो करेंगे ना वो मतलब इस देश के सबसे मूर्ख इंसान से करेंगे। तो उसमें एक कालिदास जो थे ना, वो सबसे बेवकूफ इंसान था। वो जिस पेड़ पे बैठता था उसकी ही डाली काटता था, इतना बेवकूफ था। और वो ऊंट को उष्ट्र उष्ट्र बोलता था। ऐसे कहानी है, सच में कहानी है, कालिदास ने संस्कृत में लिखा है कि मैं इतना मूर्ख था कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था। लेकिन उनमें एक गुड क्वालिटी था कि वो काली माता के भक्त थे, कालिदास तो। और कालिदास का जो है ना, वो पूरा नागपुर साइड में विदर्भा में ही सब उनका सब काव्य रचनाएं हुई हैं। तो एक बार वो क्या होता है ना कि उनकी ना शादी हो जाती है, वही विद्योत्तमा जो थी ना उनसे शादी करा दी जाती है। तो विद्योत्तमा को ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही विद्वान है, तुमको भी हरा देगा। और शादी होने के पहले ना कुछ ऐसे कहानी है कि कुछ तीन उनसे प्रश्न पूछा गया कि ऐसे पूछा गया कि मुझे अभी थोड़ा सा याद आ रहा है, तीन क्वेश्चन पूछे गए जिसमें इसने, और उनको बोला गया कि आप ना एक ही बोलना। तो विद्योत्तमा ने क्वेश्चन पूछा कि भगवान एक है, द्वैतवाद या अद्वैतवाद, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन पूछा गया, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वर और आत्मा ये सब एक ही है, एक ही है। तो विद्योत्तमा को बहुत अच्छा लगा, और उनको बोला गया था कि आप ना, वो कोई भी क्वेश्चन पूछेगी वो सभी से यही क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप बोलना है वन, ऐसे बोलना, ऐसे करके। और शादी तो हो गया, मतलब झूठ बोल के शादी करा दिया गया। जब शादी हो गया ना तो विद्योत्तमा को पता चला कि मेरा पति तो महामूर्ख है, तो उनको लात से मार देती है जिस दिन सुहागरात की रात होती है ना। उनको पता चलता है विद्योत्तमा को कि मेरा पति तो महामूर्ख है, लात से मार के अब भगा देती है उसको कि जाओ यहाँ से, मैं तुमको अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ। लेकिन अभी वो विद्योत्तमा इतनी सुंदर भी थी, इंटेलिजेंट भी थी और राजकुमारी भी थी, तो कालिदास को इतना प्यार हो जाता है उनसे। तो वो फिर काली माता के पास जाते हैं। अब जो कालिदास है ना, उनका नाम ही है कालिदास, काली माता के पुजारी थे। तो वो जाते हैं और वो काली माता के पास जाते जाते ना रो रो के जाते हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। बेवकूफ इंसान भगवान के पास जा रहा है। अब वो इतने भक्त थे कि काली माता सच में प्रकट हो जाती है। और वहां पे ना क्या होता है कि कुछ ऐसे तलवार वगैरह रखी रहती है काली माता के मंदिर में, तो उनका पैर अटकता है और वो गिर जाते हैं। और गिर जाते हैं तो जो जीभ है ना कट जाती है पूरा कालिदास की। तो काली माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। और भगवान भी चाहते हैं ना कि किसको कब क्या बनाना है। उनका जो प्रारब्ध था वो इतना अच्छा था कि उनको यहीं पर ही सब ज्ञान प्राप्त होना था। तो काली माता प्रकट होती है, तो वो बोलते हैं कि कालिदास बच्चा उठ, क्या चाहिए तुझे। तो ये इतना मूर्ख था, ये भी नहीं बोल रहे कि मुझे ज्ञान दो या मुझे मुक्ति दो, ये बोलता है कि मेरे को विद्योत्तमा दो। तो विद्योत्तमा भी बोलना उसको नहीं आ रहा था, तो बोलता है विद्या विद्या विद्या, ऐसे बोलते हैं। काली माता उसको आशीर्वाद देती है कि तुझे यही प्राप्त होगा। और फिर वो इतने बड़े विद्वान बन गए काली माता के आशीर्वाद से, और वो विद्वान हो गए। जो उन्होंने विद्या बोला, विद्योत्तमा बोले थे, वो विद्वान हो गए। और उन्होंने जो काव्य रचनाएं की, अभिज्ञान शकुंतलम और इतने बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे हैं महाकाव्य, वह सब इतने बड़े हुए कि कालिदास, मतलब वो आशीर्वाद के रूप में मिला कि किस तरह से मिला, उनकी जो बुद्धिमानता थी, बुद्धि जाड्यता थी, वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। अभी हम सबको तो दैविक इतना वो नहीं होगा, हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमें तो मेडिसिन से ही ठीक करना है। तो यहाँ पर जब कफजन्य स्मृति नाश होता है, एमिनेशिया होता है, तो क्या देना चाहिए, तो कुष्ठ वनस्पति सबसे अच्छा काम करता है। लहसुन जो है वो बहुत ही अच्छा कफ का आवरण को दूर करके बुद्धि को बढ़ाता है। इसी तरह से वासा है, वह भी कफ का आवरण दूर करके एमिनेशिया में बहुत अच्छा काम करता है, जो कफ जन्य है। फिर उसके बाद में रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का क्वाथ बना के अगर पिए
तो वो बहुत अच्छा फायदा करता है, या रुद्राक्ष को रगड़ के उसका चाटन करे रोज, जैसे चंदन को घिस के पत्थर पे उसका चाटन करे, वैसे ही रुद्राक्ष करे तो कफ जन्य जो एमिनेशिया है, स्मृति नाश है, उसमें फायदा करता है। इसी तरह से ज्योतिषमती बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से हम लोग ब्राह्मी कषायम 45 ml सुबह, 45 ml शाम को ब्राह्मी कषायम का प्रयोग कर सकते हैं, बला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, गोरोचनादि गुटिका करके आती है उसका प्रयोग करें तो एमिनेशिया में बहुत अच्छा फायदा करता है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनका शुक्र क्षय की वजह से एमिनेशिया होता है, तो पूर्ण चंद्रोदय एक एक गोली सुबह शाम दे, सिद्ध मकर ध्वज दें एक एक गोली सुबह शाम दे, तो उससे एमिनेशिया में, स्मृति नाश में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ब्राह्मी लेहम है, कल्याण घृतम है, महाकल्याण घृतम है, शीरबला तेल का आवर्ती बल जो है 10 ड्रॉप दूध के साथ, 10 बूंद दूध के साथ रोज सुबह शाम सेवन करें तो जो 101 आवर्ती वाला शीरबला या 1001 आवर्ती वाला शीरबला है वह भी बुद्धि स्मृति को अच्छा कर देता है, तो स्मृति नाश में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से पित्तज टाइप का जब रहे, मैंने अभी जो बताया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वातज टाइप का जो रहे तो कुछ कुछ मैं दवाई बता रहा हूँ, जैसे वातज टाइप का स्मृति नाश रहे, शॉर्ट टर्म रहे, बात का कैसे है कि बात प्रकृति वालों को कैसे रहते हैं, थोड़ी देर याद आते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर याद आते हैं फिर भूल जाते हैं, तो ऐसे जो वायु के एसोसिएटेड सिम्टम्स वाले स्मृति नाश है उसमें ब्राह्मी कषायम, बला चूर्णम, गोरोचनादि चूर्णम वटी, गोरोचनादि वटी या चूर्णम, पूर्ण चंद्रोदय रस, ब्राह्मी लेहम, कल्याण घृतम, महाकल्याण घृतम, शीरबला आवर्ती तेलम, इसका प्रयोग करें, और नस्य का प्रयोग करें, ज्योतिषमती तेल, ब्राह्मी तेल, वचा तेल, शिरोपिचू, शिरोधारा और शिरोबस्ती, इन सब से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पित्त टाइप का है तो द्राक्षादि कषाय, क्योंकि पित्त का शमन करना है और स्मृति को एनहांस करना है, मेधा की अग्नि को अच्छा करना है, तो द्राक्षादि कषाय 45 ml सुबह, 45 ml शाम को खाने के बाद देना है। इसी तरह से पद्मक चूर्णम जो है, पद्मकाश जो है उसका बहुत अच्छा फायदा होता है, पद्मक चूर्णम, इसका 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को दूध के साथ अगर देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से कस्तूरियादि गुलिका करके आता है, यह दो दो गोली सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्तजन्य जो स्मृति नाश है, तिक्तघृतम है, वह 10 ml सुबह 10 ml शाम को, दो दो चम्मच सुबह शाम अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। महातिक्तघृतम से पित्त को शमन करने वाले तिक्त, महातिक्तघृतम, फिर अष्टदश कुष्मांड घृतम, इसका प्रयोग करने से पित्तजन्य स्मृति भ्रंश में बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर चेतस घृतम, अगर 10 ml सुबह 10 ml शाम को खाने के बाद दे, और ज्यादातर अगर ब्रह्म मुहूर्त में दे, रसायन काल में, सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले दे तो वो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, उस टाइम पे अगर दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर इसमें कफज टाइप अगर रहता है तो कफज टाइप में ब्राह्मी चूर्ण है, पंचगव्य घृतम है, फिर महापंचगव्य घृतम है, फिर हिंगू सौरवर्चलादि घृतम है, फिर देवदार्वा रिष्टम है, स्वर्ण सारस्वता रिष्टम है, या ब्राह्मी प्राश है, इन सब का प्रयोग करते हैं ना तो स्मरण शक्ति में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अभ्यंग भी कराने से बहुत अच्छा वायु का शमन होता है, स्मृति पे बहुत अच्छा, अभ्यंग भी कराने, शिरोवस्ती, शिरो नस्य, शिरो पिचू, ये सब कराने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेलम, इससे रोज अभ्यंग करें वायु का शमन होगा। शीर बला तेलम, धन्वंतर तेलम का प्रयोग करने से फायदा होता है। शिरो पिचू के लिए हम लोग बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेलम का प्रयोग करें। शीर बला तेलम, वाताशिनी तेलम का प्रयोग करें। धूम्रपान है तो संज्ञा स्थापन गण के द्रव्यों का धूम्रपान कराएं, या संज्ञा स्थापन द्रव्यों का हम लोग नस्य कराएं तो संज्ञा स्थापन करता है। वो तेरे पेशेंट जो हेड इंजरी के आते हैं और उनको एमिनेशिया हो गया, स्मृति नाश हो गया, तो उनको हम लोग को धूम्रपान कराना है संज्ञा स्थापन गण के धूमवर्ती से। उसी तरह से रासनादि धूमवर्ती का भी अगर हम लोग धूम धूम दे उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से मात्रावस्ती देना है तो वचा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, हिंगू तेल, सरसप तेल, इन सबसे सरसप तेल थोड़ा ही मात्रा में डालना है, उससे भी स्मरण शक्ति बहुत अच्छा हो जाता है। धन्वंतर तेल, शीरबला तेल, 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल, इसका मात्रा बस्ती दे। इसी तरह से काढ़े का बस्ती दे तो जो मेद्य द्रव्य है, ब्राह्मी है, मंडूकपर्णी है, यष्टि मधु है, ये जो है ना, ये पुनर्नवा है, ये सबका अगर हम लोग बस्ती दे, काढ़ा बना के उसका बस्ती दे, तो वह भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से शिरो विरेचन नस्य, कभी कभी कफ का आवरण के वजह से यहाँ पे पूरा मस्तिष्क में कफ का आवरण हो जाता है, तो शिरो विरेचन गण के जो द्रव्य हैं, या अपामार्ग तंडुली अध्याय में आप लोग देखिएगा शिरो विरेचन के गण बताएं, अपामार्ग तंडुली सूत्र स्थान 2 चैप्टर चरक संहिता का, उसके द्रव्यों का, जैसे अपामार्ग का तंडुल का बीज का नस्य दें, या फिर झिंझिणक दें, बहुत सारे ऐसे द्रव्य बताएं उसका नस्य दें तो आवरण निकल जाता है, फिर स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती है। अपामार्ग का नस्य है, ज्योतिषमती तेल का है,
रसायन में मिध्य रसायन बहुत सारे बताए हैं। अब आप चरण संहिता में देखेंगे मिध्य रसायन में बहुत सारे बताए, ऐंद्र रसायन है, ब्राह्म रसायन है, आमलकी रसायन है, त्रिफला रसायन है, च्यवन प्राशावले है, कुष्मांड रसायन है, इन सब का प्रयोग करते हैं ना। अवस्था के हिसाब से रसायन का सिलेक्शन करना है। कभी कभी पिपली, वर्धमान पिपली रसायन का भी प्रयोग करने से बुद्धि जो है उसकी मेधा की अग्नि प्रदीप्त होती है, तो वर्धमान पिपली रसायन का भी प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसा बताया जाता है कि हर संडे को क्या करना है कि पीपल का वृक्ष है उसके नीचे बैठ के और पीपल के पत्तों को तोड़ के उसका पत्तल बनाना है, प्लेट बनाना है, लीव्स का प्लेट बनाना है, और उसमें सरसों चूर्ण डालना है, घी लेना है, चावल लेना है और उसको सेवन करना है। हर संडे संडे को करना है, क्योंकि जो संडे होता है रविवार को सूर्य भगवान का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है रविवार को, और अग्नि देवता जो है उनका निवास है, वो घोड़े का रूप धारण करके पीपल के पत्ते में घुस गए, पीपल के पेड़ में घुस गए थे। तो पीपल का पत्ता जो रहता है ना उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि जो गौतम बुद्ध थे उनको जो सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ तो वहां पे पीपल के वृक्ष के नीचे, तो इसलिए बोधि वृक्ष पीपल के पत्ते को कहा जाता है। और पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, पीपल के पेड़ के नीचे आप रहेंगे ना हमेशा फ्रेश रहेगा, इतना अच्छा वृक्ष है। तो इसी तरह से हर रविवार को ये अगर हम लोग कराते हैं ना पीपल के पत्ते का, तो ये इससे मेमोरी बहुत अच्छा एनहांस होता है। और ऐसे पेशेंट जो रहते हैं एमनेशिया के पेशेंट होते हैं जिनका लॉस ऑफ मेमोरीज ऐसे कंडीशन होती है उनको बहुत अच्छा फायदा होता है। जो स्टूडेंट लोग जिनको आगे बढ़ उनको स्वर्ण सारस्वत अरिष्ट, स्मृति सागर रस, पंचामृत लौ गुकुल, महाकल्याण घृत, महापैशाचिक घृत, महापंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत, स्वर्ण युक्त तो ब्राह्मी वटी या नॉर्मल ब्राह्मी वटी, फिर वचा तेल का नस्य, शीरबला तेल का नस्य, ज्योतिषमती तेल का नस्य, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, बहुत सारे द्रव्य हैं। लेकिन अभी टाइम की कमी है, मैं अपना जितना अभी मैं बता सकता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ, और आगे आने वाले कभी टाइम में मैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे दवाइयाँ बताऊंगा जो बहुत अच्छा फायदा करेगा। तो आप इसका प्रयोग करिए और आपके पेशेंट में 100% फायदा होगा। जो स्मृति नाश के पेशेंट है, लॉन्ग टर्म हो रहा है या शॉर्ट टर्म हो रहा है या परमानेंट है, उन सब में बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। ठीक है, मैंने जो भी बताया मैंने आदरणीय गुरु जी वैद्य समीर जमद अग्नि सर जी के नोट से बताया है, मैं उनको नमन करता हूँ, वो मेरे गुरु जी हैं और उनका ही ज्ञान मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, इसलिए गुरु की वंदना तो जरूर करना चाहिए। और हमारे इसमें बोला है, आयुर्वेद में बोला है, आचार रसायन का प्रयोग करने से स्मृति नाश से निकालने में बहुत अच्छा फायदा होता है, इसलिए अच्छा दिनचर्या पालन करना चाहिए, आहार विहार फिर व्यवहार हमारा जो है सद्वृत्त का पालन, ये सब बहुत अच्छा हो रहा है। झूठ नहीं बोलना है, ईर्ष्या द्वेष मद मात्सर्य ये सब न करें तो फिर स्मृति अच्छी रहती है। जितना मन कलुषित रहेगा, किसी से द्वेष होगा, ईर्ष्या होगा, उतना तमोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा और सत्वगुण को वो सप्रेस कर देगा, तो स्मृति नाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छा सोचे, सबके लिए पवित्र विचार रखें तो मेमोरी हमेशा अच्छी रहती है। ठीक है, तो अभी आप लोग के जो भी क्वेश्चन है वो आप कृपया लिख दीजिए, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और यहाँ पर आयुष दर्पण का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हम लोग देखिए सुबह से शाम तक अलग अलग हम लोग विषयों पे बात करते हैं, क्योंकि आपके पास अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं, एक ही पैटर्न में नहीं होता है। माधव निदान का होता है, अष्टांग हृदय का हम पाठन करते हैं, शाम को कुछ अलग होता है, क्लिनिकल उसमें अलग होता है, अलग अलग तरह का वैरायटी में हम लोग यहाँ पे आयुर्वेद को प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विनीता चौहान मैम नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर श्रवण त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अभिमान फील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि आप लोग इतने भारत के इतने अच्छे वैद्य लोग हैं कि क्या बताएं। सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं एमएल डाला को स्टिमुलेट करो तो बहुत गुस्सा है, बहुत डर आएगा, एमएल डाला को डिस्ट्रॉय कर दो तो सब कुछ अच्छा चलेगा, मेलिंग इफेक्ट जी, बहुत बढ़िया बताया सरोज मिश्रा जी। सरोज मिश्रा जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अंजू बालाजी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राम कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कंचन मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग तो कंचन मैम मेधावटी देते होंगे, उसका रिजल्ट बताइएगा उसमें कितना फ़ायदा होता है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको,
डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर नलिनी मैम नमस्ते प्रणाम आपको, और हमें किस वजह से स्मृति नाश हुआ वह हेतु भी, संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जनम, निदान परिवर्जन करना भी बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट शुक्रशय का बहुत ज्यादा आ रहा है, अति वैवाह कर रहा है, तो उसका हमें वह बंद कराना है, उसको वृष्य दवाएं देनी है, मेद्य दवाएं देनी है, तो बहुत अच्छा फायदा है। ये दीर्घायु आरोग्य बोल रहे हैं कि ईश्वर कितने हैं, ईश्वर तो एक ही है, अलग अलग हम लोग ईश्वर के रूप मानते हैं कि अलग अलग ईश्वर के रूप है, लेकिन ईश्वर एक ही है, एक ही शक्ति ने पूरी दुनिया को बनाया। दीर्घायु केंद्र बोल रहे हैं 2 फिंगर जी, हाँ ऐसे कुछ तो कालिदास का कहानी बता रहे हैं ना, वही आप कुछ तो बता रहे हैं जी, उसके बारे में हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे जी। रवि अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, कुमार संभव, हाँ उन्होंने, कालिदास जी ने कुमार संभव भी लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखा था जी। आकांक्षा जी थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मृच कटिकम, हाँ इनको देखिए सब याद है, मृच कटिकम भी लिखा था, ये सब मैंने एमए संस्कृत करते समय ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आया। डॉक्टर दीर्घायु जी बोल रहे हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी भी लिखा है, हाँ बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप, अष्टाध्यायी भी लिखा है, लघु सिद्धांत कौमुदी भी लिखा है। दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको, मनीषा जी बोल रही हैं कि प्रणाम बहुत बढ़िया, थैंक यू आपको। डॉक्टर जगजीत मोगा जी नमस्ते प्रणाम आपको, हाँ दीर्घायु आरोग्य केंद्र प्रणाम आपको। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सुरेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजिंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और बहुत सारे अपने ज्ञान को आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो आप लोग आइए, आपको जूम का आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली। तो मैं यहाँ पे आयुष दर्पण, जो नंबर वन आयुर्वेद का एक प्लेटफॉर्म है, उसका मैं आप लोगों को जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर अपना नंबर और ये देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप लोग मुझे मैसेज करिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा, अपने सर से बोल के, डॉक्टर नवीन जोशी सर आपको ऐड कर देंगे, मैं आप लोगों को लिंक आईडी दूंगा। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, रोज सुबह 6 बजे माधव निदान की क्लास होती है, आप लोगों को मालूम ही होगा माधव निदान में हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, उससे बहुत सारे वैद्य लोगों की मेमोरी अच्छी हो गई है, स्मृति शक्ति बहुत अच्छा हो गया है, घर परिवार में सुख शांति आ रही है, पैसा आ रहा है, तो इसीलिए आप लोग भी माधव निदान क्लास सुबह अटेंड किया करिए, 6 बजे होता है। अष्टांग हृदय का टीका वाचन होता है, अरुंधत जी की टीका सर्वांग सुंदर व्याख्या, वह टीका वाचन सुबह 7 बजे होता है, और हिमाद्री का आयुर्वेद रसायन होता है, संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं एक एक लाइन और उसका अर्थ समझा के उस पर डिस्कशन होता है, तो यह आप लोगों को भी काम आएगा, क्योंकि अपना ही आयुर्वेद है, आप लोगों को सीखना है तो आप लोग सुबह ज्वाइन होने के लिए मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, प्रणाम सभी लोगों को, 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन फिर से होगा, तो जूम में होगा वो, आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए, मैंने अपना नंबर दे दिया है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।